बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह रहमान दरसे इल्मे नहव के अंदर हम जुमला फेलिया के अहकाम पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू हो, जैसे क़रा ज़ैदुन, ज़ैद ने पढ़ा। यहाँ क़रा फेल है यानी काम, और ज़ैदुन काम करने वाला, ये फाइल है। कवायद नंबर एक, जुमला फेलिया के बुनियादी जुज दो होते हैं। जुमला फेलिया के बुनियादी पार्ट दो होते हैं, नंबर एक फेल यानी काम, नंबर दो फाइल काम करने वाला। नंबर दो, जुमला फेलिया में फाइल से पहले फेल आता है, फेल पहले आता है और फाइल बाद में आता है। जैसे नसरा खालिदुन, खालिद ने मदद की, फेल पहले आया, खालिदुन फाइल है, ये बाद में आया। फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता, लिहाजा अगर यूं कहा जाए कि खालिदुन नसरा, तो अब खालिद फाइल नहीं बल्कि मुब्तदा बनेगा और ये जुमला फेलिया नहीं होगा बल्कि ये जुमला इस्मिया होगा। बाज़ तालिबे इल्म जब इस जुमले की तरकीब करते हैं तो वो खालिद को फाइल बना देते हैं और नसरा को फेल बना देते हैं। अगर ये कायदा मलहूज रहे, याद रहे, तो तरकीब करते हुए इस गलती से तालिबे इल्म महफूज रह सकता है। खालिदुन किसी सूरत में भी फाइल नहीं बनेगा क्योंकि ये फेल से पहले आ गया। फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, फेल से पहले नहीं आता। तो खालिदुन नसरा इसका माना भी यही है कि खालिद ने मदद की, और नसर खालिदुन इसका माना भी है खालिद ने मदद की। फाइल की तारीफ आसान अंदाज में, फाइल किसको कहते हैं? जिस इसम की तरफ फेले मारूफ की इस्नाद हो। फेले मारूफ वो फेल होता है कि जिस फेल का फाइल मालूम होता है। तो फाइल की तारीफ क्या है? जिस इसम की तरफ फेले मारूफ की इस्नाद हो, यानी फेले मारूफ को जिस इसम की तरफ मंसूब किया गया हो तो वो इसम फाइल कहलाता है। जैसे जा अल हक्कू, जा ये फेले मारूफ है, इसको हमने हक की तरफ मंसूब कर दिया तो जा फेल है और अलहक्कू इसका फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेल लिया। जा अलहक्कू हक आ गया। नसरा ज़ैदुन खालिदन, यहाँ पर नसरा फेल मारूफ है और इसकी निस्बत, इसकी इस्नाद हमने ज़ैदुन की तरफ कर दी, लिहाजा ज़ैद इसका फाइल है। नसरा ज़ैदुन खालिदन, मदद की ज़ैद ने खालिद की। नायबुल फाइल की तारीफ, जिस इसम की तरफ फेले मजहूल की इस्नाद हो, फेले मजहूल को जिस इसम की तरफ मंसूब किया जाए उस इसम को नायबुल फाइल कहते हैं। जैसे नुसीरा खालिदुन, खालिद मदद किया गया, खालिद की मदद की गई, मदद करने वाला फाइल मालूम नहीं। कायदा नंबर तीन, फाइल और नायबुल फाइल मरफू होते हैं, यानी उनके आखिर में रफ़ा होता है। अब रफ़ा पर जो दलालत करने वाली अलामात हैं वो दो तरह की हैं। नंबर एक अलामत असलिया, और वो है दम्मा, यानी एक पेश या दो पेश, ये रफ़ा पर दलालत करते हैं। तो फाइल मरफू होता है यानी उसके आखिर में या तो एक पेश होगा या दो पेश होंगे, और ये जो अलामत होगी रफ़ा पर दलालत करने वाली, इस अलामत को अलामत असलिया कहेंगे। जैसे जा आ ज़ैदुन, ज़ैद आया, ज़ैद फाइल है, इसके आखिर में रफ़ा आ रहा है, और रफ़ा पर जो दलील है, रफ़ा पर जो चीज़ दलालत कर रही है वो है दम्मा, ये रफ़ा पर दलालत करने वाली अलामत असलिया है। नंबर दो अलामत गैर असलिया, इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, वाव, अलिफ और नून।
जैसे जा आ अबू जैदिन, जैद के वालिद आए। अब यहाँ पर अबू ये फाइल बन रहा है और इसके आखिर में वाव आ रहा है, ये वाव अलामत रफा है, लिहाजा हम कहेंगे कि जा आ अबू जैदिन के अंदर अबू हालत रफाई के अंदर है, ये मरफू है। मरफू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वाव रफा पर दलील है, रफा पर दलालत कर रही है, फाइल हालत रफाई में होता है और इस पर दलालत करने के लिए वाव यहाँ पर मौजूद है। दरबा, दरबा फेल है और ये अलिफ इसका फाइल है, ये भी रफा पर दलील है, रफा पर दलालत कर रहा है। इसी तरह यंसुरूना, यहाँ पर जो नून है ये मुदारे की हालत रफाई पर दलालत करता है। तो रफा पर दलालत करने वाली अलामतें दो होती हैं, एक अलामत असलिया उसमें सिर्फ दम्मा आता है एक पेश या दो पेश, और अलामत गैर असलिया उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, वाव अलिफ और नून। फाइल हमेशा इसमें मुफरद होता है, जुमला कभी भी फाइल नहीं बन सकता। लेकिन आप अरबी कलाम में देखेंगे कि पूरे के पूरे जुमले को फाइल बना देते हैं, तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं? अगर कभी जुमला फाइल बन रहा हो तो उस जुमले को मुफरद की तावील में कर लेते हैं, जिसको मसदरे मुअव्वल कहते हैं। यानी उस पूरे जुमले को हम मसदर की तावील में कर लेते हैं, उसको हम मसदर मान लेते हैं, और मसदर जो होता है वो इसम होता है और इसमें मुफरद होता है, लिहाजा उस सूरत में जुमला फाइल बन सकता है। लेकिन हकीकतन हम उसको इसमें मुफरद ही की तावील में करते हैं, तो फाइल हमेशा इसमें मुफरद होता है। मसदर मुअव्वल के मुताल्लिक एक पूरी वीडियो तफसीलन अपलोड की जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। फाइल की अकसाम, फाइल की तीन अकसाम हैं, यानी फाइल तीन तरह का हो सकता है। नंबर एक इसमें ज़ाहिर, नंबर दो इसमें ज़मीर, और नंबर तीन मसदर मुअव्वल। इसमें ज़ाहिर की मिसाल जैसे जा आ ज़ैदुन, अब ज़ैदुन ये इसमें ज़ाहिर है, यहाँ पर फाइल बन रहा है। इसमें ज़मीर के अलावा तमाम के तमाम अस्मा को हम इसमें ज़ाहिर कहते हैं। और ज़माइल के मुताल्लिक भी तीन लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी तफसीलन समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फाइल इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है और इसमें ज़मीर भी हो सकता है। जब फाइल इसमें ज़मीर होगा तो इसमें ज़मीर भी तीन सूरतों में फाइल बनेगी, यानी ज़मीरें मरफू मुत्तसिल बारिस जैसे दरबता, यहाँ पर ता ज़मीर ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस है, फेल के साथ मिली हुई है, इस वजह से हम इसको मुत्तसिल कह रहे हैं। बारिस नज़र आ रही है, लिखने में आ रही है, पढ़ने में आ रही है, इस वजह से इसको बारिस कह रहे हैं। तो ता यहाँ पर दरबा का फाइल बन रही है। ज़मीर मुत्तसिल मुस्ततिर या मुस्ततर, जैसे दरबा, दरबा में हुआ ज़मीर है, ये दरबा का फाइल है, और ये ज़मीर ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर है, क्योंकि पोशीदा है, लिखने में भी नहीं आ रही और पढ़ने में भी नहीं आ रही। नंबर तीन ज़मीर मुनफसिल जैसे दरबा हुआ, अब दरबा का फाइल ये हुआ ज़मीर है और ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। तो फाइल जब इसमें ज़मीर बनेगा तो वो तीन सूरतों में आ सकती है, ज़मीर बतौर फाइल के, या तो वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस की सूरत में आएगी, या ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर की सूरत में आएगी, या ज़मीर मरफू मुनफसिल की सूरत में आएगी। नंबर तीन मसदर मुअव्वल जैसे यसुरुनी अन तफूज़ा, मुझे खुश करता है तुम्हारा कामयाब होना। अब यसुरु ये फेल है, नूने बिकाया, और या ज़मीर ज़मीर मनसूब मुत्तसिल मफूल बिही है। अन मसदरिया तफूज़ु फेल, इसमें अंत ज़मीर इसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर अन मजदरिया से मिलकर मजदर की तावील में हुआ, यानी अन तफूज़ा ये पूरा का पूरा जुमला फौजू की तावील में हुआ, फौजू का तुम्हारा कामयाब होना, और फौजू ये मजदर है, ये इसमें मुफरद है, तो हमने इस पूरे के पूरे जुमले को मुफरद की तावील में कर लिया। यसुरुनी अन तफूज़ा, मुझे खुश करता है तुम्हारा कामयाब होना। तो यसुरुनी फौजू का,
मुझे खुश करता है तुम्हारा कामयाब होना। तो जिस तरह इसका तर्जमा हो रहा है बिल्कुल इसी तरह हमने अंतफूजा का तर्जमा भी किया है। ये इसका पार्ट नंबर एक था। मज़ीद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके कवायद आइंदा वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।